हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। जो भी बच्चे ट्रिपल सी अक्टूबर नवंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को इस क्लास में हमने शामिल किया है, जो कि पहली बार में ट्रिपल सी टॉप करने की सीरीज चल रही है। इसमें तो आप सभी क्लासेज को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें सभी क्लासेज आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। क्लास में जो भी बच्चे पहली बार आए हुए हैं, आप सभी बच्चे को क्लास के डिस्क्रिप्शन में ट्रिपल सी अक्टूबर नवंबर एग्जाम 2023 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप प्रीवियस क्लास को सभी देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें और रेगुलर क्लास आप सभी को रात को 10 बजे मिलता है। इसमें रेगुलर क्लास आप सभी को रात को 10 में जुड़ना है इसमें, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं और प्रैक्टिस क्लास करने से इसमें एग्जाम में बहुत अच्छे ग्रेड से पास आउट होना होता है। इसमें तो प्रैक्टिस क्लास इज द कंपल्सरी होता है। और आपके इस क्लास में हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों टाइप में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। और आप सभी को कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी ट्रिपल सी कोई डाउट आ रहा है, तो आप सभी बच्चे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी मदद की जाएगी इसमें। तो जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसमें जल्दी से क्लास में जुड़ जाना है, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए आप सभी बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है इसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या होता है? व्हाट इज द मेल मर्ज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है इसमें, ठीक है? जल्दी से आप सभी बच्चे आंसर दीजिए, इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या होता है? व्हाट इज द मेल मर्ज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यूज इट टू मेल टू मल्टीपल पीपल। कई लोगों को मेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से किसी सत्र की संसाधन सीमा का पता लगाने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं? इसमें आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किसी सत्र के संसाधन सीमा का पता लगाने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं? Which of the following commands do you use to find out the resource limit of a session? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी जवाब दीजिए इसमें, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यूली मिट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन कौन सा होता है? इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ पीडीएफ फाइल फॉर्मेट? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन कौन सा होता है। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को, बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डॉट पीडीएफ। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से वाईफाई पासवर्ड में कम से कम कितने अक्षर होते हैं? Which of the following is minimum number of character in Wi-Fi password? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से Wi-Fi password में कम कितने अक्षर होते हैं? Which of the following is the minimum number of characters in a Wi-Fi password? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहिएगा इसमें, क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक एक क्वेश्चंस को आप सभी बी केयरफुली पढ़िए और क्वेश्चंस को पढ़ के इसका जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को, निम्नलिखित में से वाईफाई पासवर्ड में कम से कम कितने अक्षर होते हैं, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 8। मिनिमम जो पासवर्ड होता है उसमें आप सभी को 8 अक्षर का लिखना होता है वाईफाई पासवर्ड में। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, निम्नलिखित में से नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, तो बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, MKDIR। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कर्नेल। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, RMDIR कमांड का क्या मतलब होता है, तो व्हाट डज RMDIR कमांड मीन, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट ओनली रिमूव्स एम्प्टी डायरेक्टरीज, यह सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करता है। तो जो भी बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एडवायर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन इसमें ट्रिपल सी में कई बार पूछा गया है, ठीक है इसमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉल्ड, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से ट्रिपल सी एग्जाम में हेल्प मिल सके इसमें। तो आप सभी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और आप सभी जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डाटा कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी फंक्शन विजार्ड के लिए प्रयोग की जाती है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की इज यूज फॉर द फंक्शन विजार्ड, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस F2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, क्लिपबोर्ड से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय क्लिपबोर्ड, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कॉपी या कट किए गए आइटम को स्टोर करता है, स्टोर कॉपी और कट आइटम्स। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से प्रथम वेब ब्राउजर कब जारी किया गया था, व्हेन वाज़ द फर्स्ट वेब ब्राउजर रिलीज, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 1990 में ब्राउजर को रिलीज किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, IBM 4003 क्या है, व्हाट इज IBM 1403 क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, प्रिंटर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कॉम्पैक्ट डिस्क किस संसाधन पर कार्य करती है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल डज द कॉम्पैक्ट डिस्क वर्क, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लेजर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, मालवेयर से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय मालवेयर, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ
जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सोशल नेटवर्किंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन पासपोर्ट से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज रिलीज टू पासपोर्ट? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन पासपोर्ट से संबंधित है? बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पासपोर्ट सेवा। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से एनक्रिप्ट फाइल किस रूप में प्रदान की जाती है? तो मीन ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म इज द एनक्रिप्टेड फाइल प्रोवाइडेड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम संदेश भेजा था? Who among the following sent the first message? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अर्पानेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से IBR का फुल फॉर्म क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ IBR? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से स्लाइड शो किस कुंजी से प्रारंभ किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग की स्टार्ट द स्लाइड शो? तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, F5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज नॉट इजली पोर्टेबल? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मिनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ फाई इन वाईफाई? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सेल प्रारूप विजार्ड के लिए किस स्रोत कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूनिट फॉर द सेल फॉर्मेट विजार्ड? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस वन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसे कहते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ओरिएंटेशन। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटोकॉल से क्या आशय है? व्हाट इज मीन बाय प्रोटोकॉल? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेट ऑफ रूल्स। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंबलर सॉफ्टवेयर? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, बूट स्ट्रैपिंग से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय बूट स्ट्रैपिंग? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कोल्ड बूट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से पब्लिक साइफर में कितनी कुंजियां होती हैं? हाउ मेनी कीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सिफर? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, टू की। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, लिंक्डइन एक बिजनेस और
रोजगार मुख्य प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसे बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रू हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, लिंक्डइन में निजी और सार्वजनिक दोनों मोड होते हैं, तो लिंक्डइन हैज बोथ अ प्राइवेट एंड पब्लिक मोड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, IRCTC पर टिकट बुक करने के बाद कंफर्मेशन मेल मिलता है, कंफर्मेशन मेल इज रिसीव्ड आफ्टर बुकिंग अ टिकट ऑन IRCTC। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज का शीर्षक बार फाइल एक्सटेंशन के साथ फाइल नाम प्रदर्शित करता है, द टाइटल बार ऑफ ए लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट डिस्प्ले द फाइल नेम अलोंग विद द फाइल एक्सटेंशन। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, खाता संख्या से IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं, कैन गेट IFSC कोड फ्रॉम अकाउंट नंबर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स का स्टूडेंट आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, खाता संख्या से IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं, कैन गेट IFSC कोड फ्रॉम अकाउंट नंबर। तो बिल्कुल नहीं कर सकते इसमें, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट, आज क्लास आप सभी को कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए थे या चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि पेपर्स के लिए कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।